जीत के बाद ट्रक ड्राइवरों ने कलेक्टर साहब को बता दिया होगा। 2 मिनट में निकाल दिया डीएम का सारा घमंड। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा वीडियो। कोई कानून का भी हाथ नहीं लेगा। तुम सुन लीजिए, क्या करोगे तुम? क्या दुकान है तुम्हारी? दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों ने मोदी सरकार को 2 दिन में ही झुका दिया, तो शायद अब शाजापुर के कलेक्टर किशोर कन्याल को भी अपनी औकात पता चल गई होगी, जो अपने पद के अहंकार में ट्रक ड्राइवरों की औकात पर सवाल उठाकर देश के गरीब मेहनतकश लोगों का मजाक उड़ा रहे थे। दोस्तों, अगर आपने भी वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले कलेक्टर साहब का ये वीडियो देखिए। किशोर कन्याल, जो मध्य प्रदेश की शाजापुर में कलेक्टर हैं, ट्रक ड्राइवरों के साथ मीटिंग में किस तरह औकात की बात करते हैं, जरा आप वीडियो देखिए। कोई कानून का हाथ नहीं लेगा। तुम कृपया करा सुन लीजिए, और ऐसी बात हम तुम क्या कर रहे हैं? अच्छे से बोलो, समझ के है क्या बोल रहे हो? समझ में रखो, क्या करोगे तुम? क्या पुकार दो कहने तुम्हारी? यही तो चीज है सर, हमारी यही लड़ाई, हमारी कोई होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कलेक्टर साहब पद के अहंकार में कहते हैं कि क्या औकात है तुम्हारी, जब ट्रक ड्राइवर अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब को अपनी शान में गुस्ताखी लगता है जब उनके बात करते भी बीच में ट्रक ड्राइवर बोलने लगते हैं, कहते हैं कि क्या औकात है तुम्हारी, क्या कर लोगे, जिस पर ट्रक ड्राइवर जवाब देते हैं कि लड़ाई तो इसी बात की है कि हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन दोस्तों, ट्रक ड्राइवर की औकात क्या है? 2 दिन गाड़ी खड़ी की, उसके बाद मोदी सरकार के पसीने छूट गए, 2 दिन में ही मांग माननी पड़ी, ये औकात है ट्रक ड्राइवरों की। क्या हालात खड़े हो गए थे आप जानते हैं दोस्तों? देश भर के ज्यादातर पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें लग गई, हजारों की संख्या में लोग भीड़ लगाए खड़े थे, यहाँ तक कि अफवाह फैलने लगी कि अब पेट्रोल मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों ने 2 दिन हड़ताल का कर ली, देश की हालत बिगड़ गई। दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों की औकात ये है कि भले अपने बच्चों को दूध ना पिला पाए, लेकिन देश भर में दूध की सप्लाई करते हैं। भले अपने बच्चों को फल ना खिला पाए, लेकिन देश भर में फलों की सप्लाई करते हैं। भले ही अपने बच्चों को समय पर दवा ना खिला पाए, लेकिन देश भर में दवाओं की सप्लाई करते हैं। भले ही अपने बच्चों को सब्जियां ना खिला पाए, लेकिन देश भर में सब्जियों की सप्लाई करते हैं। दोस्तों, ट्रक ड्राइवरों की औकात के बूते ही भारत चलता है, आम आदमी को समय पर उनकी जरूरत का सामान मिलता है, और कलेक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। इसीलिए ट्रक ड्राइवरों ने जब अपने ट्रक साइड में लगाए तो देश को औकात याद आ गई, पब्लिक से लेकर सरकार तक हिल गई, ये है ट्रक ड्राइवरों की औकात। और ऐसे में जनता के नौकर को सरकार के मालिकों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, कलेक्टर हो या कोई भी सरकारी अफसर हो, आम जनता के नौकर है, सरकार के नौकर हैं, और जनता सरकार की मालिक है। ये है आम आदमी की औकात कि सरकार हिला देता है जब आंदोलन पर आता है। दोस्तों, आप कलेक्टर साहब के ऐसे अहंकार को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके अपने चैनल कभी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।